आज की जो घटना है, इस घटना को आप किस रूप में लेते हैं, कैसे लेते हैं? जरा किसान नेता हैं आप, तमाम चीजों को बहुत नजदीक से देख रहे हैं। पहली प्रतिक्रिया आपसे चाहूंगा कि गाजीपुर की घटना क्या आपको और भी पुरानी घटनाओं की याद दिला रही है, या इस घटना से आगे और सचेत रहने की जरूरत आपको महसूस हो रही है? क्या कुछ आप समझ रहे हैं, क्या कुछ देख रहे हैं, और दिन भर जो चला है घटनाक्रम, उस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहिए। राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष तौर पर इसलिए कि आपने इस मुद्दे के ऊपर आज चर्चा तय की, क्योंकि किसानों के मुद्दों को मोदी मीडिया टच नहीं करता है, और देश बंधु ग्रुप एक देश का प्रमुख मीडिया ग्रुप है और उसने ये तय किया, इसके लिए बहुत आपका आभार। आज की जो घटना है, अमित वाल्मीकि जी प्रदेश के महामंत्री, उनको बनाया गया तो उनका स्वास्थ्य के नाम पर लोग सुबह 10-11 बजे पहुंच गए, 250 की संख्या में वहां पर पहुंच गए, और वहां जाकर के, जहां पर हमारा मंच है गाजीपुर में, वहां पर जाकर के वो नारे लगाने लगे किसानों के खिलाफ में, काले झंडे लेकर आए थे, काले झंडे दिखाने लगे। उनका जो पूरा आइडिया था वो मंच को कब्जा करने का आइडिया था। जब वहां पर किसानों ने उनको टोका, उनको मना किया, उनसे कहा कि पहले भी भाजपा के नेता वहां पर आते रहे हैं, आते जाते निकलते हैं, रुकते हैं, चाय पीते हैं, वहां पर लंगर भी खाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर के अगर वो विघ्न बाधा पैदा करेंगे, हिंसा फैलाने की अगर कोशिश करेंगे, तो उसकी इजाजत किसान उनको नहीं देंगे। बाकायदा वहां पर एक कमेटी बनी हुई है, वहां पर बाकायदा किसानों की सुरक्षा का पूरा इंतजाम है। तो जब ये सब कुछ हुआ तो उसको जो इन्होंने किया है, भाजपा और संघ के लोगों ने जो किया है, सबसे पहले संयुक्त किसान मोर्चा इसकी निंदा करता है और ये कहना चाहता है कि आज तक 216 दिन आज हुए हैं, आज तक किसानों की ओर से कोई हिंसा नहीं हुई है और हम इसको अहिंसक आंदोलन के तौर पर आगे ले जाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। लेकिन उनका इस तरीके का प्रयास करना, ये एक किस्म का जातीय एक टकराव पैदा करने का प्रयास है। आपको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव को जीतने के लिए जिस तरीके से अभी धर्मांतरण का मुद्दा उठाया है, जिस तरीके से हाईलाइट किया है, जिस तरीके से अभी ड्रोन दिखलाई पड़ने लगे हैं जम्मू के आसपास में, वो पूरी की पूरी एक किस्म की एक योजना है आगे ये हिंदू मुसलमानों के पोलराइजेशन को बढ़ाने के लिए। इस जो किसान आंदोलन ने जो काम किया है कि मुजफ्फरनगर के अंदर जो दंगे कराए गए थे, उसके अंदर जो एक भेद पैदा हुआ था हिंदू और मुसलमानों को, उसको खत्म करने का काम किसान आंदोलन ने करके देश की बहुत बड़ी सेवा की है, देश के सेकुलर फैब्रिक को बचाने का काम किया है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी को और संघ को रास नहीं आ रहा, और इसलिए उन्होंने अब जातीय कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने के लिए कि ये वाल्मीकि वर्सेस जो है कुछ जाट हो जाए या कुछ दूसरी जातियों के साथ में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, ये वो बताना चाहते हैं और इसको वो गांव-गांव में ले जाना चाहते हैं। हालांकि तुरंत ही उसके बाद में, कुछ ही समय बाद जब ये घटना की खबर पूरे वेस्टर्न यूपी में लगी, तो बड़े पैमाने पर वाल्मीकि समाज के लोग वहां पर पहुंच गए और उन्होंने किसान आंदोलन के लोगों से कहा कि हम इस किसान आंदोलन के साथ हैं। जो प्रयास किया गया है एक जातीय टकराव पैदा करने का, जातीय हिंसा पैदा करने का, ये हम नहीं होने देंगे, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं राजेश जी कि जब CNRC का आंदोलन चल रहा था तो इसी तरीके का उकसावे की कार्रवाई करने का काम, और एक बार तो सीधे सीधे जाकर के फायर करने का काम भी जो है वहां पर किया गया। और आपको मालूम है कि ये जो पूरे दिल्ली दंगे की पूरी जो साजिश है, वो जिस तरीके गई थी वो CNRC के आंदोलन को बदनाम करने के लिए, और उसके अंदर जो अभी 54 लोगों को जो गिरफ्तार किया गया है और बहुत सारे लोगों को भी उसमें बेल भी मिली है, छात्र नेताओं को, उससे पूरी बात खुल करके आ गई है कि कोर्ट ने भी जो है उनको आरोपी मानने से एक कसम से इंकार कर दिया है प्राइमा फेसी तौर पर। ये हमारा पुराना अनुभव है। मैं मुल्ताई से आता हूँ और मुल्ताई के अंदर जिस तरीके का हुआ था, वहां पर भी इस तरीके से एक शांतिपूर्ण आंदोलन था। शांतिपूर्ण आंदोलन 25 दिसंबर से चल रहा था, लेकिन जब 12 जनवरी आई तो वहां पर कुछ लोगों को भेज करके
हिंसा कराने का काम, मतलब वहां पे कुछ लोगों को ले जा करके पत्थर का काम किया और फिर उसके बाद में फहराई गई। उसी तरीके से अगर मैं आपको मंदसौर का बताऊं तो मंदसौर के अंदर तरीके से हुआ था कि वहां पर जो किसान हैं वो तो अपने मूल्य के सवाल को लेकर के वो आंदोलन कर रहे थे, लेकिन जब वो आगे बढ़े तो सीधे सीधे मंदसौर के अंदर पॉइंट ब्लैंक फायरिंग की गई, जिसमें अंदर तीन किसान, पांच किसान शहीद हुए और उसके बाद में एक किसान को पीट पीट करके पुलिस ने मार डाला। तो ये एक पुलिस की एक रेगुलर टैक्टिस है, मतलब कि सरकार जब बदनाम करना चाहती है किसी आंदोलन को तो उसके अंदर वो हिंसा पैदा करती है, और हिंसा पैदा करने के लिए जब सामने वाला हिंसा करने को तैयार नहीं है, वो अहिंसक आंदोलन है, तो अपने ही लोगों को भेज करके हिंसा कराने का प्रयास होता है। ये प्रयास सिंघू बॉर्डर पे भी हो चुका है। सिंघू बॉर्डर के ऊपर जो है हमला किया गया, आपको मालूम है वहां पर टेंट जलाने का काम किया गया, आपको ये भी मालूम है कि वहां पर तो बार बार बीच बीच में ये हवा फैलाई जाती है कि आसपास के गांव के लोग जो है बहुत नाराज हैं और वो जो है यहाँ पर आंदोलनकारियों को जो है खदेड़ना चाहते हैं। कुल मिलाकर के एक फूट डालो और राज करो का जो अंग्रेजों की पॉलिसी थी, उसी पॉलिसी को अपनाने का काम सत्ताधीशों के द्वारा किया जा रहा है और इस समय इसी काम के अंदर लगे हैं। मैं एक और बात आपको, क्योंकि आपने उल्लेख किया था 26 जनवरी का, इसलिए मैं आपको केवल आपको ये बताना चाहता हूं कि 26 जनवरी के दिन तो एसकेएम के साथ में, लीडरशिप के साथ में, दिल्ली पुलिस की जो टॉप रैंकिंग ऑफिशियल्स हैं उनके साथ में रूट तय हो गया था और हम उसी रूट के ऊपर चले हैं, हमारा एक भी किसान उससे डाइवर्ट नहीं किया। लेकिन कुछ संगठन ऐसे, कुछ व्यक्ति ऐसे जो एसकेएम का हिस्सा नहीं थे, उनके साथ में मिलकर के ये साजिश करने का काम किया गया होम मिनिस्ट्री के द्वारा, दिल्ली पुलिस के द्वारा, और वो जो जो कुछ हिंसा हुई वो पूरे देश के सामने है और एक दमन करने का काम और आंदोलन को बदनाम करने का काम किया गया। तो हम इन तरीकों की साजिशों से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, हमारा जो नेतृत्व है वो पूरी तरीके से मैच्योर्ड नेतृत्व है, हमारा जो एक एक कार्यकर्ता है, जिस तरीके से मूवमेंट के कार्यकर्ता हुआ करते थे कि लाठी चले गोली चले लेकिन ना तो भागेंगे और ना तो हाथ अपना उठाएंगे और मतलब मारेंगे भी नहीं और मानेंगे भी नहीं, इस नारे के साथ में वहां पर दृढ़ संकल्पित होकर हैं, तो इस तरीके के छोटे मोटे 200-250 लोगों के हमले से जो है वो गाजीपुर का, चाहे हमारा जो पक्का मोर्चा है या फिर सिंघू बॉर्डर का मोर्चा है या हमारा अभी टीकरी के अंदर जो दो जगह चल रहा है, या शाजापुर में चल रहा है, या पलवल में चल रहा है, या मेवात में चल रहा है, या देश के अंदर 100-150 अलग अलग जगह पर गांव के स्तर पर भी चल रहा है, वो खत्म होने वाला नहीं है। यही मैं किसान आंदोलन की तरफ से कहना चाहता हूं कि हम कोई हिंसा नहीं चाहते, लेकिन हम हिंसा को झेलने का काम भी करने वाले नहीं है, हम दमन को सहने वाले नहीं है, ये बात मैं कहना चाहता हूँ।